मॉर्निंग प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 57 साइंस क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम। ठीक है बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कोई बॉल दीवार से टकरा के बाउंस वॉक हो जाती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ग्लास, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो लाइट का क्या होता है, लाइट जो है एंटर करती है और पार हो जाती है ना, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंटिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स अ ऑब्लिक्विटी फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी कोई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंट हो जाती है। मान लीजिए कोई ग्लास है, ग्लास मिरर नहीं ग्लास, ठीक है, लाइट एंटर करेगी, एक मीडियम चेंज हो गया, एंटर करके ये लाइट इधर या उधर कहीं भी एक रास्ते से निकल जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम होती है वैक्यूम में वैक्यूम में यानी कि जहां पे एयर नहीं है, बिल्कुल स्पेस समझ लीजिए कि उसमें स्पीड जो है लाइट की सबसे ज्यादा होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। तो कॉजेज ऑफ स्पीड क्या है, मतलब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट है। सीधी सी बात है, अगर किसी न किसी मीडियम से लाइट होती भी जाएगी और उसका स्पीड चेंज जा रहा है, जैसे कि हम रास्ता देखते हैं ट्रैफिक जाम है तो कभी गाड़ी की स्पीड तेज होती है, कभी कम हो जाती है, ऐसे ही होता है ना, ठीक वैसे लाइट की स्पीड भी तेज या कम, ज्यादा या कम हो जाती है जब वो अलग अलग मीडियम से होकर गुजरती है। अलग अलग मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर से तो लाइट हो जाती है पार, ग्लास भी हो सकता है ना, और एयर के भी अलग अलग मीडियम है, एयर में भी तो पार्टिकल अलग अलग है, अलग अलग गैसेज है, तो हर गैसेज मतलब हर जगह अगर एटमोसफियर में देखें तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। यहाँ पे कुछ एक करके दिखाया हुआ है एक्टिविटी टाइप की, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास का शीट है, ठीक है, ये इसकी थिकनेस दिखा रखी है। एक लाइट, एक रे लेते हैं सर, रे आई इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो रे इस ग्लास पे पड़ेगी, तो ये ग्लास है, इस पे पड़ेगी कहीं ना कहीं पड़ेगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे पड़ रही है, जिस पॉइंट पे रे ग्लास पे पड़ेगी वहां से हम इंसिडेंट बना देंगे और नॉर्मल बना देंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, अब देखिए एयर से लाइट आ रही थी, ये एक अलग मीडियम था, और ये नॉर्मल का जो एंगल बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और जैसे ही इस मीडियम पे पड़ेगी उसको लाइट सीधे जाने की जगह, देखिए सीधी जाने की यहाँ पे ये बेंट हो गई, बेंट हो गई ना, ये बेंट हो गई, ये देखिए बेंट हो गई ये लाइन, तो ये नॉर्मल हाथ एंगल बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। अब भाई शीशे में तो लाइट रहेगी नहीं, बाहर भी तो आएगी ग्लास से, तो अब ये ग्लास तक तो इसका मीडियम ही रहा, तो लाइट इस रास्ते से सीधे सीधी रही, लेकिन जैसे ही ग्लास से एयर में फिर से वापस जाना है, पार होना है, तो यहां से फिर नॉर्मल आएगा, इस पॉइंट से पार होगी तो फिर 90 डिग्री का नॉर्मल आएगा, दिस इज नॉर्मल, और ये लाइट बाहर फिर बेंट होकर निकल जाएगी। तो ये एंगल कौन सा था, रिफ्रैक्शन का एंगल था, है ना, ये और ये एंगल सेम होंगे, जेड बन रहा है ना, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो एंगल निकला इसको बोलेंगे एमरजेंट एंगल, एमरजेंट एंगल यानी जो रे बाहर आ गई उस मीडियम से उसे एमरजेंट रे बोलेंगे। तो तीन तरह की रे पड़ी हमने, इंसिडेंट रे, अंदर जो रे थी वो रिफ्रैक्टेड रे थी ये वाली, और बाहर जो रे फाइनली निकल गई वो एमरजेंट रे है, ठीक उसी प्रकार से तीन तरह के एंगल है, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल एंड एमरजेंट एंगल। तो हमने क्या नोट किया, हमने नोट किया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, एयर एक मीडियम था उससे ग्लास दूसरे मीडियम पे आई, फिर ग्लास से वापस एयर में, है ना, मीडियम चेंज हुए इसके दो बार। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये एंगल ऑफ एमरजेंट के इक्वल होगा। नाउ लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जो ये लाइट जो है इधर से उधर मुड़ी है, सीधे रास्ते न जाके लाइट जो है डाइवर्ट हुई है, तो ये किस पे चेंज मैटर करेगा, ये जो मटेरियल होगा किस तरह का है। हम देख रहे हैं लाइट सीधे आनी थी और ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन लाइट क्या हुआ, यहाँ बैंड हो गई, उसके बाद यहां से फिर बैंड हो गई, है कि नहीं। लास्ट में देखे तो ये लाइन जो है इस पहली लाइन के इंसिडेंट रे के एमरजेंट रे पहला नजर आ रही है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी स्टार्टिंग में लाइन को रे को कहां जाना था और वो कौन सी लाइन पे गई है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो पोजिशन है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे, किस मीडियम से लाइट पास हो रही है, और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, कितना मोटा है ये, जितना मोटा होगा उसी अकॉर्डिंग से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लॉज पढ़ लेते पहले, तो फिर आगे उधर देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन यही है, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द जो टू ट्रांसपेरेंट मीडिया है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पे दिखाई देंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि रेशियो ऑफ साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होता है, ये कॉन्स्टेंट आना चाहिए। और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अगर पूछा जाए स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो यही है, द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। चलिए अब ये मीडियम ये किस तरह बैंड होगी, हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ आई है, हम यहाँ देख रहे हैं ये भी नॉर्मल है और ये नॉर्मल से दूर गई है ना। रिफ्रेक्टिव जो रे है नॉर्मल की तरफ आई है पहले सिचुएशन में, जब बाहर निकली है एमरजेंट रे नॉर्मल से दूर भागी है, ये होता कैसे है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखिए स्पीड ऑफ लाइट एन कैसे निकलता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड सेकंड मीडियम, यानी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में। यहाँ पे देखेंगे एयर था पहले सिचुएशन में, स्पीड ऑफ लाइट एयर अपॉन क्या था, ग्लास स्लैब, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड ग्लास स्लैब, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, निकालने का तरीका है। दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम से जब तुलना की जाती है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चे। तो वो कैसे होता है, हम सी बोलते हैं वैक्यूम को, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या लाइट है, और जो मीडियम है मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में क्या मीडियम है, तो उसे नीचे लिखेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और ये है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अब समझ लेते आउट ऑफ टू गिवन मीडियम, अगर दो मीडियम दे रखे हमें तो मीडियम हैविंग हायर वैल्यू, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी, हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो ज्यादा डेंसर होगा, और जिसकी कम वैल्यू होगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में वो रेयर मीडियम होगा। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर, अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। देखिए इसी में देखिए, एयर जो है ना रेयर मीडियम होते हैं, ठीक है, और ग्लास डेंसर मीडियम, डेंसर पूरा, तो लाइट जब इधर आ रही थी हम देख रहे हैं नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, ये देखिए यहां से ब्लू कलर से दिखाती हूँ, ये नॉर्मल है और ये ऐसे जानी थी, ये नॉर्मल की तरफ आई है, आइए कि नहीं आइए। नाउ अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, देखिए अब ये डेंस मीडियम है ग्लास, और एयर हो गया रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये सीधे आनी, ऐसे आनी थी ना, ये दूर भाग रही है कि नहीं, नॉर्मल से अवे जा रही है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ग्लास डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ था, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल है। अच्छा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का हाइएस्ट होता है, अब तक का 2.42 दिखा रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और वैक्यूम दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर जो है हमें लिखना है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5 और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है 3.8। तो हम लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखिए कि एन है स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन की वैल्यू है, और ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, इसको वी टू मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या होगा, 1.5 इंटू वी टू इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी टू आ जाएगा 3 बाय 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट हटाइए, 0 आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो वी टू आ गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट आ गया, जिसको हमने वी टू माना था। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू आपका, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में डायग्राम बताना है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा ये है। क्लियर हो गया बच्चे, अब आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय।